देखिए, अब ये मैं आपको बताता हूं कि शॉर्टकट की जो है क्रॉस डेंड्रल कंडेंसेशन की क्या होती देखिए। अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल ले लिए जाएं, एक एसीटल्डिहाइड है और एक एसीटोन, तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल अलग-अलग होती हैं, बस कंडीशन यही है कि ग्रुप के बगल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ग्रुप के ऊपर, तभी होगा एल्डोल कंडेंसेशन। तो दोनों अलग-अलग मॉलिक्यूल अगर आप लोगे तो कहलाता है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, और दोनों सिमिलर हो तो कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर ये दोनों अलग-अलग हैं तो ध्यान रखना फोर प्रोडक्ट बन, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो कौन से फोर प्रोडक्ट हैं जो बनते हैं वो आप देखिएगा। देखो पहले क्या करो, इसका तरीका है, ये जो आपने लिया है इसी का इसी पे एल्डोल करवा। अभी थोड़ी देर पहले आपने कराया था शॉर्टकट की, इसका एल्डोल इसी पे करवा, CH3CH, मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल। ऐसे ही इसका इस पे करवा, ये लिया और इसी के जैसा दूसरा भी हो गए। तो फिर आप इसका इस पे करवा दो, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, फिर इसको इंटरचेंज कर दो। बस ये ध्यान रखना राइट हैंड साइड वाले के अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल देने। इस तरीके से चार प्रोडक्ट बनेंगे, फिर समझ लो एक बार। अगर ये दोनों डिफरेंट हों तो चार प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो इसका इसी पे करा दो, दोनों सेम लेके, ऐसे ही इसका इसी पे करा दो, दोनों सेम लेके, फिर लेफ्ट हैंड साइड में इसे रख लो, राइट में इसे, और फिर नेक्स्ट में इसको लेफ्ट में कर दो, इसको राइट में कर दो, तो चार प्रोडक्ट बन जाए। देखो कैसे बनते हैं एक एक करके, जानते तो ही आप, शॉर्टकट की बताई चुके हैं आपको, बस ये आपके आंसर होते चले। कितना आसान तरीका है, देख लीजिएगा। ये सी एक पहले सेम लिए थे दोनों, ये दोनों सेम लिए थे ना पहले, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH ये बन गए। फिर ये दोनों सेम लिए तो क्या बन गया, और अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करें जो हमने पिछली वीडियो में बताया तो कम से कम 10 मिनट ले देगा ये क्वेश्चन। तो शॉर्टकट की का यही फायदा है, बस वाटर निकलते जाते हैं। आंसर तो चार प्रोडक्ट बनेंगे, ये देख लीजिए, समझ गए आप। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, उसे करके दिखाइए। मान लीजिए क्वेश्चन ये है, एक आपके पास ये कंपाउंड, इसका आपने करवा दिया मान लीजिए एसीटोन, तो बताइए कौन से चार प्रोडक्ट बनेंगे। अब इसको आप करके देख लीजिएगा,
कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके दो मॉलिक्यूल ले लो शॉर्टकट के। तो आपको तरीका समझाया था अभी क्या करती है, एक ले लिया ये और दूसरा वाला भी ले लें सेम। भाई सिमेंट्री है, सीओ कहीं भी लगा, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा है उसको बाहर निकाल, दूसरा इसी के जैसे दो ले लो। दो ऐसे सेम सेम ले लो। तीसरा इसको एज इट इज ले लो, इसको लेफ्ट में इसको राइट में। और फोर्थ में इसको लेफ्ट में कर दो, इसको राइट में कर दो, आंसर आ जाएंगे आपके तुरंत। ये लिख लो पहले तीन, वाटर निकालते जाओ, डबल बॉन्ड लगाते जाओ। और फोर्थ आप समझ ही गए, उसको लेफ्ट में लिख लो, इसको राइट में लिख लो। कहो तो यहां लिख देता हूं, इससे आसान ट्रिक अभी तक बनी नहीं आपको बता दे, है ना। विद इन अ सेकंड आंसर आता है। एक बार इसको डबल करना है, एक बार इसको डबल करना है, फिर इसको एज इट इज, अगले में इसको इंटरचेंज करना, बस आंसर आते जाएंगे। यहां से इसे निकालते जाओ, डबल बॉन्ड लगाते जाओ, तो समय खराब करने वाली बात है, बस यहां डबल बॉन्ड लगाओ, ये आंसर आता जाए। ऐसी इसमें वाटर निकाल दो, इसमें वाटर निकाल दो, और इसमें वाटर निकाल दो, हो गया एकदम पिक्चर क्लियर। तो ये क्रॉस डेल्डोल कंडेंसेशन है, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन दोनों अलग अलग हों, दोनों डिसिमिलर एल्डिहाइड्स हों, एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो, है ना, तब ये सब चीजें लगाते हैं। तो मुझे लगता है एकदम पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं शॉर्टकट की वाले, तो आप जो मोटिवेशन के लिए इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, जिससे मैं अधिक से अधिक आपके लिए शॉर्टकट की बना सकूं, जो आपके लिए विशेष रूप से जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आती हैं वहाँ आपकी स्पीड बन जाएगी।